Good morning. Today I am going to discuss on the topic of cheating. Cheating has been defined in section 415 of Indian Penal Code. And according to the definition of section 415, whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induces that person to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property or intentionally induces the person so deceived to do or omit to do anything which he would not do or omit if he were not so deceived. And such act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property. तो सेक्शन 415 छल को परिभाषित करता है, चीटिंग को परिभाषित करता है. इसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को प्रवंचित करता है, धोखा देता है, और जिस व्यक्ति को प्रवंचित किया गया है उसको प्रेरित करता है बेईमानी से या कपटपूर्वक कि वह कोई संपत्ति किसी को दे दे या ये सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति अपनी सम्मत दे कि कोई संपत्ति रखे रहे, या शासन उसको प्रेरित करता है कि वह कोई कार्य करे या करने का लोप करे और वह कार्य ऐसा हो कि यदि उसे इस तरह प्रवंचित ना किया गया होता तो नहीं करता या लोप नहीं करता, और ऐसे कार्य या लोप से उसको शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा या संपत्ति संबंधी उसको नुकसान हुआ हो या हानि हुई हो. तो 415 का जो सिंपल ऑफेंस बनता है कि किसी को पहले आप धोखा दो, जिस व्यक्ति को आपने धोखा दिया है उसको बेईमानी या कपटपूर्वक प्रेरित करो कि वह कोई संपत्ति किसी को दे दे. चीटिंग को समझने के लिए हम इसके इसेंशियल एलिमेंट को डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके. तो सबसे पहले चीटिंग का जो इसेंशियल एलिमेंट होगा दैट इज डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन. फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ चीटिंग इज डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन. किसी व्यक्ति को प्रवंचित किया गया या धोखा दिया गया, ठीक. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट चीटिंग के लिए क्या होती है, हम किसी को धोखा दें, किसी को प्रवंचित करें. दूसरी कंडीशन, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस दैट पर्सन टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी to any person or to consent that any person shall retain एनी प्रॉपर्टी. चीटिंग की जो डेफिनेशन है वो दो पार्ट में है. जो फर्स्ट पार्ट है डिसेप्शन ऑफ एनी पर्सन, सबसे पहले किसी को हम धोखा दें. डिसेप्शन मीन्स ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, किसी का विश्वास भंग किया जाए, इसको हम कहते हैं डिसेप्शन. कोई आप पे भरोसा करता, आपने उसको मिस रिप्रेजेंट दिया, उसको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी, उस इन्फॉर्मेशन पे उसने विश्वास कर लिया. तो पहली रिक्वायरमेंट चीटिंग के लिए होता है कि किसी को आपने धोखा दिया हो. जैसे आपके पास एक रिंग है, पीतल की है, आपने किसी को विश्वास करा दिया कि ये सोने की अंगूठी है, ये गोल्ड है, ठीक है. अगला स्टेप क्या होता है, फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस दैट पर्सन. जिस व्यक्ति को आपने धोखा दिया है उस व्यक्ति को क्या किया आपने, फ्रॉडुलेंटली, कपटपूर्वक और डिसऑनेस्टली या बेईमानी से उसको आपने प्रेरित किया, ठीक है. तो जिस व्यक्ति को प्रवंचित किया गया, जिस व्यक्ति को धोखा दिया गया उसको कपटपूर्वक या बेईमानी से प्रेरित किया जाता है. किस बात के लिए प्रेरित किया जाता है,
to deliver any property to any person. कि किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति दे दे, इस बात के लिए आप इंड्यूस करते हैं, या टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी. तो सबसे पहले आपने क्या किया, किसी को धोखा दिया. जिसको आपने धोखा दिया उसको फ्रॉडुलेंट लिया, डिसहनेस्टली इंड्यूस किया था. फ्रॉड क्या होता है, किसी व्यक्ति को डिसीव किया जाए, और जिसको डिसीव किया जाए अगर उसको इंजरी पहुंच जाती है तो कहा जाता है कि वो कार्य कपटपूर्वक किया गया. ठीक. तो फ्रॉडुलेंटली मीन्स डिसेप्शन एंड इंजरी टू पर्सन डिसीव्ड. जिस व्यक्ति को धोखा दिया गया है उसको इंजरी भी हो. तो अगर इस आशय से कोई कार्य किया गया है कि किसी को धोखा दिया जाए उसको इंजरी हो जाए तो वो कहा जाएगा कपटपूर्वक कार्य आपने किया है. बेईमानी क्या होती है, इफ एनी एक्ट इज डन विद इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, सच एक्ट इज सेड टू बी डन डिसऑनेस्टली. अगर कोई कार्य इस आशय से किया जाता है किसी को सदोष लाभ हो या किसी को सदोष हानि हो तो कहा जाता है कि बेईमानी से कार्य किया गया. तो दोनों में से एक होना चाहिए, या तो आपका फ्रॉडुलेंट इंटेंशन हो, कपटपूर्वक आपने कार्य किया हो, या बेईमानी से आपने किसी को इंड्यूस किया हो. किस बात के लिए इंड्यूस किया हो, कि कोई प्रॉपर्टी किसी को दे दे. सपोज करो आपके पास एक पीतल की अंगूठी थी, आपने बी को विश्वास कराया कि जो रिंग है ये सोने की गोल्ड की है, आपकी बात पे बी ने विश्वास कर लिया, और विश्वास करने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आपको उसने पैसा दे दिया. उसके बदले आपको, आपने रिंग उसको दिया है सोने की रिंग समझ के उसने उसको ले लिया, उसके बदले में आपको उसने पैसे दे दिए. तो या तो ये आपने किया है कि किसी को आपने इंड्यूस किया है धोखा दे करके कि वो कोई प्रॉपर्टी आपको दे दे, या किसी को भी दे दे, या टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, या संपत्ति दे दे कि कोई व्यक्ति कोई संपत्ति रखे रहे. सेकंड में क्या है, ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी आपके पास है, आपने उसको रिसीव किया, अभी उसको इंड्यूस किया कि वो अपनी सम्मति दे दे कि जो प्रॉपर्टी उसकी आपके पास है वो अपने पास आप रखे रहो. जैसे मान लो आपने किसी को कुछ पैसे दिए हुए हैं, सपोज करो आपने 5 लाख रुपया किसी को दिए हुए हैं, उसने आपको इंड्यूस किया कि मैं आपकी कहीं जॉब लगवा दूंगा, मैं आपका कोई काम करा दे रहा हूं, और उसके बदले में मुझे 5,000 रुपये चाहिए, सॉरी 5 लाख रुपये चाहिए. उसने अपनी कंसेंट दे दिया कि ठीक है 5 लाख रुपये मेरे आपके पास हैं, आप वो पैसे रखे रहो. अब यहाँ पर आपका हालांकि इंटेंशन नहीं था उसकी कहीं जॉब लगाने का, आपके पास ऐसा कोई तरीका नहीं था, कोई भी मीन्स नहीं थे कि आप उसकी जॉब लगा सकते हैं, लेकिन आपने उसको बेईमानी से फ्रॉडुलेंटली उसको विश्वास करा दिया कि आप उसकी जॉब लगा सकते हैं, और आपकी बात पे विश्वास करके उसने अपनी सम्मति दे दी कि ठीक है मेरे जो 5 लाख रुपये आपके पास हैं ये आप रखे रहो. तो दो दो चीज़ें होती हैं, कि या तो आपने कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए किसी को इंड्यूस किया कि वो प्रॉपर्टी दे दे किसी को, या ऑलरेडी उसकी प्रॉपर्टी आपके पास है और आपने उसको इंड्यूस कर दिया है, और जिसकी कॉन्सिक्वेंस में उसने अपनी सम्मति दे दिया कि ठीक है मेरी प्रॉपर्टी जो आपके पास है वो अपने पास रखे रहो. ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का. प्रॉपर्टी का सारा यहाँ पर है कि प्रॉपर्टी या तो दी जाती है या तो एक कंसेंट दे दी जाती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी के लिए हुए है तो वो प्रॉपर्टी वो लिए रहे. बस जरूरी यह है कि फ्रॉड का या डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए. ठीक. सेकेंड पार्ट कहता है बी इंटेंसली इंड्यूसेस दैट पर्सन टू डू और ओमिट टू डू एनीथिंग and such act or omission causes or likely to cause damage or harm to that person
in body, mind, reputation or property. सेकेंड पार्ट क्या कहता है, इंटेंसली induces दैट पर्सन टू डू or omit टू डू एनी थिंग विच ही वुड नॉट डू or omit इफ ही were नॉट सो डिसीव. जिस व्यक्ति को आपने डिसीव किया हुआ है, धोखा दिया हुआ है, उसको इंटेंसली प्रेरित किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है कि वो कुछ करे या कुछ ना करे. और ये जो एक्ट उसने किया या नहीं किया वो ऐसा हो कि जिससे उस व्यक्ति को डैमेज हो या हार्म, डैमेज या हार्म हो उसकी बॉडी को, उसके माइंड को, उसके रेपुटेशन को या उसकी प्रॉपर्टी को, उसको शारीरिक नुकसान हो जाए या उसको मानसिक नुकसान हो जाए या उसको प्रतिष्ठा संबंधी नुकसान हो जाए या उसको संपत्ति का नुकसान हो जाए, चारों में से किसी भी तरीके का उसको डैमेज या हार्म हो. ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई एक्ट कराते हैं, यहाँ हम प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पर प्रॉपर्टी देने की बात की गई है या प्रॉपर्टी रखे रहे इसकी कंसर्न की बात की गई है. सेकेंड पार्ट कहता है कुछ करने या ना करने के लिए, कि आपने किसी को धोखा दिया है जिसकी वजह से वो तैयार हो जाता है कुछ करने के लिए या नहीं करता है कोई बात, और वो जो कार्य वो नहीं करता या करता है उसकी वजह से उसको डैमेज हो सकता है या उसको हार्म हो सकता है. किस बात का, उसके बॉडी को, माइंड को, रेपुटेशन को या प्रॉपर्टी को. सपोज करो कोई कहीं जॉब करना चाहता है, उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है जो कि उस जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है. उसने झूठ बोला कि मुझे ये क्वालिफिकेशन मेरे पास है, और उस झूठ की वजह से अगले ने उस पर विश्वास कर लिया और उसको कहीं पर जॉब पे रख लिया गया, उसको एम्प्लॉयमेंट में रख लिया गया. ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन किया गया है, व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं था, उसने अपने आप को क्वालिफाइड बताया और क्वालिफाइड बता करके उसने कंसेंट हासिल कर ली कि हाँ उसको नौकरी दी जाए. ठीक, अब यहाँ पर क्योंकि गलत तरीके से उसने जॉब हासिल कर ली है इसलिए उस व्यक्ति को यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहा है, उसको प्रॉपर्टी का नुकसान हो सकता है, कई भी नुकसान हो सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कोई मेल पर्सन है, उसने किसी महिला को विश्वास कराया कि वो उससे शादी करेगा और शादी का विश्वास करा के उसने उसको कंसेंट हासिल कर ली कि वो उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है. अब यहाँ पर महिला ने सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कंसेंट क्यों दी, क्योंकि उसने उसको विश्वास करा दिया था कि वो शादी करेगा, जबकि उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं था, तभी धोखा में आएगा. ठीक, उसका शादी करने का इरादा नहीं था लेकिन उसने उसको विश्वास करा दिया, उसका शादी करने का इरादा है और उसके उस विश्वास की वजह से ही उस महिला ने अपनी कंसेंट दे दी कि वो उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी. ठीक, अब यहाँ पर भी वही बात हुई कि क्योंकि महिला ने कंसेंट ना दी होती अगर उसको सही बात पता होती, महिला ने कंसेंट इसलिए दिया क्योंकि उसको गलत बात की जानकारी दी गई, उसके साथ धोखा दिया गया और इस कंसेंट की वजह से उसको बॉडी का नुकसान हो सकता है, माइंड का हो सकता है, उसके रिपोर्टेशन का भी नुकसान हो सकता है. ठीक, यहाँ पर दो तरह की बातें हैं, डैमेज और हार्म. तो कुछ करने की भी बात हो सकती है, कुछ ना करने की भी बात हो सकती है. जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि मिस्टर ए की जॉब ना लगे, मिस्टर ए को इंटरव्यू देने जाना है किसी, मान लो किसी डेट को उनको इंटरव्यू देने के लिए जाना होता है, ए चाहता है कि बी की सर्विस ना लगे, उसको नुकसान हो जाए. उसने क्या किया, उसको विश्वास करा दिया कि आपका इंटरव्यू टल गया है, उस दिन इंटरव्यू नहीं होगा. ठीक, उसकी बात पे उसने विश्वास कर लिया बी ने और उस दिन वो इंटरव्यू में अपीयर नहीं होता, ये सोच करके कि उसका इंटरव्यू उस दिन नहीं था, जबकि वास्तव में उस दिन उसका इंटरव्यू हो जाता. अब यहाँ पे बी ने क्या किया, ओमिशन किया. बी को कुछ करना चाहिए था, करना क्या था, उसको इंटरव्यू में अपीयर होना था लेकिन इंटरव्यू में अपीयर नहीं हुआ. क्यों नहीं अपीयर हुआ, क्योंकि ए ने उसको धोखा दिया था और धोखा देके उसको इंड्यूस किया कि वो इंटरव्यू में शामिल ना हो, क्योंकि आज की तारीख में इंटरव्यू होना ही नहीं है. अब यहाँ पे इस ओमिशन की वजह से बी को नुकसान हो गया क्योंकि उसकी जॉब उसके हाथ से निकल जाती थी. तो दोनों चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं, डैमेज भी हार्म भी हो सकता है. डैमेज किसका होता है, जो प्रॉपर्टी का नुकसान होता है तो हम डैमेज वर्ड यूज़ करते हैं, हार्म में सारी चीज़ें आ जाती हैं, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है. लेकिन जो प्रॉपर्टी का नुकसान आता है तो वहाँ पर
डैमेज के। इसी तरीके से हम किसी की बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसको किसी ऐसी गलत जगह पे भेज दिया जाए जहां आपको पता है कि कोई बॉडली हार्म पहुंच सकता है, वहां पे पहुंचता है उसको बॉडली हार्म पहुंच जाता है, तो यहां भी चीटिंग के ऑफेंस में ये आएगा। ठीक, तो चीटिंग में दो पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या है, किसी को धोखा दिया, जिसको धोखा दिया उसको कपटपूर्वक या बेईमानी से हम प्रेरित करते हैं, किस बात के लिए, कि वो कोई संपत्ति किसी को दे दे या ये कंसेंट दे दे कि कोई व्यक्ति कोई संपत्ति रखे रहे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ये प्रॉपर्टी की बात करता है कि प्रॉपर्टी देने की कंसेंट दी जाती है, किसी को प्रॉपर्टी दी जाती है। जो सेकेंड पार्ट है ये बात करता है कुछ कार्य करने की या कार्य ना, ये एक्ट या ओमिशन की बात करता है, किसी ने कुछ कार्य किया हो या कार्य ना किया हो। यहाँ भी धोखा जोरी होता है, यहाँ भी धोखा दिया था, धोखा देने के बाद में शास्त्रीय पूर्वक उस व्यक्ति को इंड्यूस किया जाता है कि वो कुछ करे या करने का लोभ करे, और वो चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि अगर उसको धोखा ना दिया गया होता तो वो ना करता। सपोज को ए और बी के बीच में कॉन्टैक्ट होना है, ए ने बी को गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जिसकी वजह से बी ए के साथ कॉन्टैक्ट करने को तैयार हो जाता है, ठीक, और कॉन्टैक्ट करने की वजह से उसको फिर नुकसान हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर अगर ए ने सही बात बताई होती बी को तो उसके साथ कॉन्टैक्ट ना करता, क्योंकि ए ने गलत बात गलत जानकारी बी को दी है, इसी वजह से वो कॉन्टैक्ट को तैयार हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर भी चीटिंग माना जाएगा। ठीक, अगर जानबूझ के कोई फैक्ट छिपाया जाता है वो भी चीटिंग में आता है। अगर कोई व्यक्ति जो माल होते हैं गुड्स होते हैं, गुड्स मेंट फॉर सेल, जो गुड्स होते हैं बेचने के लिए होते हैं, उनकी झूठी प्रशंसा करना ये चीटिंग में नहीं आता है। सो गुड्स मेंट फॉर सेल जो होते हैं उनकी अगर फॉल्स प्रशंसा की जाती है तो वो चीटिंग में नहीं आता। जैसे जो शॉपकीपर होता है वो अपने कपड़ों की तारीफ करता है, सब्जी वाला अपने सब्जियों की खुद तारीफ करता है, हालांकि वो बिल्कुल सही तारीफ नहीं करता, गलत तारीफ करता, लेकिन जो तारीफें होती हैं ये आमतौर में उसका पार्ट होती है, हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ये कोर्ट ने कहा हुआ है कि अगर जो गुड्स बेचे जाते हैं उसकी झूठी तारीफ कोई करता है तो ये चीटिंग के ऑफेंस में नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू।